हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल मैट्रिक की नोट्स पर। दोस्तों, आरआरबी जेई वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी मुजफ्फरपुर ने आरआरबी जेई वालों के लिए सेकंड पैनल जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी ऑफिशियल ये पैनल जारी कर दिया गया है। और इसमें कितने छात्रों का सिलेक्शन हुआ है, कट ऑफ कब तक जारी होने की संभावना है, और कब इसका डिविजनल अलॉटमेंट किया जाएगा, और कब तक इसके ज्वाइनिंग लेटर जारी किए जाएंगे, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मैं आगे भी ऐसी अपडेट लाता रहता हूँ, उसका वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं आपका। प्रोविजनली पार्ट सेकंड एंड लास्ट सप्लीमेंट्री पैनल फॉर द पोस्ट ऑफ जेई डीएमएस सीएमए अगेंस्ट सी नंबर 3/2018। ये देखिए सप्लीमेंट्री पैनल भी है ये, यानी सप्लीमेंट्री पैनल कब जारी किया जाता है, जैसे आपके फर्स्ट जो पैनल जारी किया गया था उसमें कुछ कैंडिडेट विधेड रखे गए थे, यानी किसी का मेडिकल अनफिट थे, टेम्पररी मेडिकल अनफिट थे, उनको फिट किया गया, और किसी के डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, उनको डॉक्यूमेंट प्रॉपर डॉक्यूमेंट पूरे होने के बाद उसको इन सप्लीमेंट्री पैनल में उनका नाम शामिल कर लिया है। तो देखिए आगे ये बेसिक जानकारी दी गई है, ये कब से कब तक आपके सीबीटी चले थे, कब से कब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, और ब्लॉक डेट कब थी, ये चीज़ इसमें दी गई है। और आगे लिखा गया है, द कैंडिडेट विद द फॉलोइंग रोल नंबर हु हैव ऑप्टेड फॉर द अलॉटेड पोस्ट एज दियर फर्स्ट हाइजेस्ट प्रेफरेंस हैव बीन प्रोविजनली एम्पैनल्ड इन सेकेंड एंड लास्ट सप्लीमेंट्री पैनल अगेंस्ट द बेरिस्ट कैटेगरी फॉर द पोस्ट ऑफ जेई डीएमएस एंड सीएमए अंडर सीएन नंबर 3/2018 एंड दियर नेम्स आर बीइंग फॉरवर्डेड टू प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर ईसी रेलवे हाजीपुर। यानी जो आपने हाईएस्ट प्रेफरेंस उसमें डाली थी उसके हिसाब से आपको पोस्ट अलॉट की गई है, और आपके नाम जो हैं वो पर्सनल चीफ ऑफिसर ईसीआर हाजीपुर के पास आपके नाम भेज दिए गए हैं। अब देखिए आगे इसका प्रोसेस क्या होगा, आगे इसका प्रोसेस आपका डिविजनल अलॉटमेंट होना है और ज्वाइनिंग लेटर जारी किए जाने हैं। तो देखिए अब आपके यहाँ पे ईसीआर हाजीपुर में आपके ये नाम भेज दिए गए हैं, वहाँ से आपके डिविजनल अलॉटमेंट किए जाएंगे, उसके बाद डिवीज़न में आपके डॉक्यूमेंट्स भेज दिए जाएंगे। अब डिवीज़न क्या करेगा, डिवीज़न आपके ज्वाइनिंग लेटर जारी करेगा। यहाँ ईसीआर से आपके ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं होंगे, ये डिवीज़न का काम है, डिवीज़न ये आपके ज्वाइनिंग लेटर जारी करेगा। तो इसमें लगभग देखिए 20 से 25 दिन बाद आपके डिविजनल अलॉटमेंट हो जाएंगे, और उसके 1 से 2 सप्ताह के अंदर आपके ज्वाइनिंग लेटर आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा गया है इसमें, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात ये लिखी गई कि जिसके जिसके अगर किसी का डॉक्यूमेंट छोटा मोटा डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है वो आपका ईसीआर जाकर वहाँ पर अपना जमा कर सकते हैं। और दूसरी बात ये लिखी गई है कि जो डिग्री और डिप्लोमा के लिए और कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, और ये बताना पड़ेगा कि जो मैंने कास्ट सर्टिफिकेट और जो डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट लगाए हैं वो हमारे वैलिड हैं और जेन्युइन हैं, यानी हमारे कोई उसमें हमने कोई भी तथ्य छुपाया नहीं। इसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, आप किसी भी नोटरी से एफिडेविट बनवा सकते हैं। आगे क्या लिखा गया है देखिए, दिस इज प्रोविजनल पार्ट सेकंड एंड लास्ट सप्लीमेंट्री पैनल प्रिपेयर कीपिंग वन वैकेंसी फॉर ए कैंडिडेट हुज फाइनल मेडिकल रिपोर्ट इज येट टू बी रिसीव्ड। यानी ये लास्ट सप्लीमेंट्री पैनल है और इसमें एक कैंडिडेट अभी भी जो मेडिकल अनफिट है, यानी इसका फिट हो जाएगा तो उसके शायद ईमेल के द्वारा उसका नाम अलॉट कर दिया जाएगा। और इसमें लिखा गया है कि पैनल इज प्रोविजनली यानी प्रोविजनल पैनल है, ये सब लिखा गया, आप चेक कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ कितने कितने कैंडिडेट का इसमें सिलेक्शन किया गया है। देखिए इससे पहले फर्स्ट पैनल आया था उसमें कुछ कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया था, इसमें सभी कैंडिडेट का सिलेक्शन कर लिया गया, केवल एक वैकेंसी इसमें वैकेंट रह गई है। देखिए ये है कैटेगरी नंबर 1 जूनियर इंजीनियर ब्रिज, इसमें 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है, और इसमें ये 4 कैंडिडेट के रोल नंबर मेंशन है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिस जिस कैंडिडेट के सिलेक्शन इसमें हुआ है वो अपना मेरिट इंडेक्स इसमें ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे वीडियो में या हमें मैसेज करते रहते हैं कि सर इतना मेरिट इंडेक्स बढ़ा है, तो उन्हें कुछ अंदाज़ा लग जाएगा, इसलिए अपना अपना मेरिट इंडेक्स जरूर इसमें मेंशन करें, और आपकी कैटेगरी क्या है, किस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है वो ज़रूर इसमें लिखें, और भी कैंडिडेट का हेल्प हो जाएगा, यानी वो कैंडिडेट बहुत परेशान रहते हैं इसलिए उनका हेल्प हो जाएगा। देखिए और दूसरे में लिखा गया है, देखिए 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है, डिज़ाइन एंड ड्राइंग में 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन, और पीवे में टोटल 21 कैंडिडेट का सिलेक्शन, यानी ये पैनल पूरे हो चुके हैं और सभी सीट फुलफिल कर दी गई हैं। देखिए इसमें भी 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन, इसमें 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन, इसमें 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन, और इसमें 3 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, यानी इसका पैनल पूरा जारी किया जा चुका है, केवल एक सीट इसमें वैकेंट रह गई है। तो मेरी जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है
कि आप अपना मेरिट इंडेक्स, आपकी कैटेगरी और आपको जो पोस्ट कौन सी अलॉट हुई है वो इसमें ज़रूर कमेंट करें, और भी कैंडिडेट की इसमें इससे हेल्प हो जाती है, थोड़ा उसे अंदाज़ा लग जाता है कि कितना मेरिट इंडेक्स उनका इंक्रीज हुआ है। और देखिए आपकी कट ऑफ जब आएगी मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, और मेरे चैनल से आप जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। आगे भी मैं और भी आरआरबी के पैनल जारी किए जाएंगे या कोई भी खबर आएगी मैं उस पर वीडियो बना के आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।